नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राजपूत श्री सिद्धार्था प्रॉपर्टी से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सारे घर में स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों बाद हमारी ये वीडियो आ रही है, लेकिन जो ये वीडियो है आपकी वर्थित होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं 3 BHK का फ्लैट जो कि एल टाइप का है। प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ आपको फ्लैट मिलने वाला है, तीनों रूम्स के साथ बालकनी है और साथ में बहुत ही रीजनेबल प्राइस के रेंज के अंदर हमारा ये फ्लैट है। अगर हम इस फ्लैट की बात करें तो हमारा कवर्ड एरिया लगभग ये 100 गज के आसपास है और अगर कारपेट एरिया की बात करें तो ये 85 गज है। एल टाइप का फ्लैट है, कार पार्किंग के साथ में, सिंगल यूनिट है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है, यानी कि एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही फैमिली रहेगी। साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस फ्लैट के बारे में तो ये हमारा द्वारका मोड़ के पास आता है फ्लैट। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से हार्डली 500 मीटर की दूरी पे। फ्रंट में अगर रोड की बात करी जाए तो 60 फुट का फ्रंट में रोड मिलता है और साइड में, जैसे कि एल टाइप का फ्लैट है तो साइड में हमारी 20 फुट की गली है। बहुत ही स्पेशियस हमारी फ्लैट होने वाला है। साथ में जो आपको रोड मिलने वाला है फ्रंट में, उस पर भी काफ़ी अच्छा आपको काफ़ी वाइड रोड मिलने वाला है, पूरा ग्रीनरी एरिया है। फ्लैट के अंदर काम बहुत प्रीमियम कर रखा है, साथ में बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर हमारा ये फ्लैट है। लोन की बात करी जाए, इजी लोन अवेल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी पर। आप अपना सैलरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन इस प्रॉपर्टी पर अवेल कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, BSES की हमारी बिजली लगी है इस फ्लैट के अंदर। साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस फ्लैट के बारे में, अगर यहाँ से हम द्वारका की बात करें तो द्वारका यहाँ से हार्डली 700 मीटर पर स्टार्ट हो जाता है। आपको द्वारका के स्कूल्स मिल जाएंगे, साथ में अगर हॉस्पिटल वगैरह की बात करी जाए तो हॉस्पिटल भी यहाँ से पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपको मार्केट मिल जाएगी वॉकिंग डिस्टेंस पे, हार्डली 5 मिनट के रास्ते पे मार्केट है। साथ में आपको ATMs वगैरह की बात करी जाए, ATMs, मार्केट, स्कूल्स, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, सारे यहाँ से आपके नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चलिए मैं आपको अपना फ्लैट दिखाता हूँ। फ्रंट से हमारा स्टेयरकेस आ गया। स्टेयरकेस तो आप देखना चाहेंगे, राउंड स्टेयरकेस दे रखा है, ग्रेनाइट का हमने मार्बल दे रखा है। साथ में आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी फैंसी लुक और बहुत ही इफेक्टिव लाइट्स हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। ये हमारा मेन एंट्री गेट हो गया दोस्तों। ये फ्लैट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी थोड़ा काम रहता है इस फ्लैट के अंदर। मैं आपको ये फ्लैट कंप्लीट होने से पहले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 2 यूनिट बचे हैं हमारे इस फ्लैट के अंदर। बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लैट मिलने वाला है। मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ से मौका छूट जाए। 2 फ्लैट है, सिर्फ वॉलपेपर का काम रहता है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा काम हो ही चुका है। ये हमारा लिविंग रूम आ गया। अगर हम इस लिविंग रूम के साइज़ की बात करें तो लगभग 18x12 का हमारा लिविंग रूम है। बहुत ही स्पेशियस लिविंग रूम है, 85 गज के फ्लैट के अकॉर्डिंग। कवर्ड एरिया इसका लगभग 100 गज के आसपास है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको LCD पैनल मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छे ग्रैंड साइज का LCD पैनल है, जिसके अंदर आप इजिली अपना 52 इंच तक का LCD प्लेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं अपने TV लगाने के लिए। ऊपर हमने आईबॉल लाइट्स दे रखी है। यहाँ पे आपको कुछ स्लैब्स मिल जाते हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए। साथ में नीचे आपको 3 बॉक्सेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आप अपना कुछ भी रिमोट्स वगैरह, सेटअप बॉक्स वगैरह ईजिली रख सकते हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे बिल्कुल LCD पैनल के अपोजिट में जो हमारे ये एल टाइप की वॉल आ रही है, यहाँ पे आपका ईजिली सोफा सेट आ जाएगा जो कि आपके 6 से 7 सीटर की सोफा सेट आ जाएगा। 2 पफीज आ जाएंगे और बीच में आपका एक काफ़ी अच्छा सा सेंटर टेबल आ जाएगा। अगर ऊपर की बात करें फॉल सीलिंग की, बहुत ही डिजाइनर फॉल सीलिंग दे रखी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। फॉल सीलिंग के अंदर LED लाइट कोब लाइट का यूज़ करा हुआ है, साथ में जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी हमने हाई वोट की यूज़ करेंगे। हम चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये हमारा आ गया कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम की बात करूँ तो लगभग 7x4 का हमारा वॉशरूम मिलता है, जिसके अंदर हमने आपको WC दे रखी है, डेविएटर सिस्टम है। साथ में अगर आप वॉल्स पर टाइल वर्क देखना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा टाइल वर्क करा हुआ है, कॉम्बिनेशन में हमने टाइल वर्क दे रखा है। पूरा वॉल टू वॉल रूफ हाइट तक की टाइल मिलती है। शावर की बात करेंगे, शावर पैनल हमने ऊपर दे रखा है इसमें, साथ में आपको फॉल सीलिंग मिलती है। और जितनी भी टाइल आप ये देख रहे हैं सारी सैम्फर टाइल्स लगवा रखी है हमने, और वेंटिलेशन के लिए हमने वहाँ पे शाफ्ट दे दी। यहाँ पे आपको वॉश बेसिन मिल जाता है जो कि कॉम्पैक्ट से काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है वॉश बेसिन। ये हमारा लिविंग रूम में आ गया अगेन हम। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एल टाइप का फ्लैट है, बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन है, साथ में हर रूम के साथ बालकनी। तो आप इस रूम के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते हैं आप देख सकते हैं कितनी लाइट आ रही है। साथ में यहाँ पे हमारा ये बेडरूम आ गया। बेडरूम के साइज की बात करी जाए 11x12 का हमारा बेडरूम है।
इस वॉल पे हमारा वॉलपेपर लगेगा। अभी वॉलपेपर्स नहीं लगे तो इसमें आपकी चॉइस रहेगी वॉलपेपर की। साथ में अगर फॉल्सलिंग की बात करनी चाहे, बहुत ही डिसेंट फॉल्सलिंग कर रखी है, वार्म वॉब लाइट का यूज़ करा है हमने। इधर देखेंगे तो इधर आपको एक वार्डरोब मिल जाती है। वार्डरोब में भी बहुत अच्छा साइज दे रखा है, यहाँ पे आपका हैंगिंग पार्ट आ जाता है, नीचे दो हमने ड्रॉस दे रखी है, नीचे भी एक कैबिनेट मिलता है, ऊपर कैबिनेट है, अंदर बाहर दोनों तरफ सनमाइका का यूज़ करा है, जितना भी वुडन वर्क है। साथ में पूरे फ्लैट के अंदर हमने जो वुडन वर्क रखा है वो सेम माइका के अंदर रखा है, सेम लुक दे रहा है, सारी वुडन वर्क की लुक देगा। इधर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमारी विंडो आ जाती है। इधर आपका इस विंडो एसी का प्रोविजन दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इजीली आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। साथ में इस रूम से अटैच हमारी बालकनी है, ये हमारी बालकनी आ जाती है। बालकनी की बात करें तो एसएस की रेलिंग दे रखी है बालकनी के अंदर, आपको कपड़े टांगने के लिए रॉड्स मिल जाती है। यहीं से मैं आपको एक बार रॉड दिखा देता हूँ, हमारा 60 फुट का वाइड रॉड है, साथ में आपको ग्रीनरी मिल जाती है सामने। अगर आप बाहर भी देखेंगे तो बाहर भी हमने पूरे टाइल वर्क करा हुआ है, शैम्फर टाइल लगा रखी है सारी। अब हम चलते हैं अपनी किचन की तरफ। ये हमारा किचन आ गया जो कि हमारे लिविंग रूम से ही है। किचन में जो सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है वो लेडीज को ये रहता है कि किचन के अंदर वेंटिलेशन नहीं होती। इस पूरे फ्लैट के अंदर हमने प्रॉपर वेंटिलेशन पे वर्क करा है, किचन के अंदर भी काफी अच्छी वेंटिलेशन मिलने वाली है। पूरी एक बड़ी विंडो दे रखे, विंडो के अंदर आपको ऊपर एग्जॉस्ट फैन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम किचन की बात करें तो किचन के अंदर हमने वाइट कलर और वुडन कलर की माइका का यूज़ करा हुआ है। नीचे आपको इनोटेक फिटिंग मिल जाती है किचन के अंदर सॉफ्ट क्लोज में। इस तरफ भी देखेंगे तो आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। अगर किचन के टॉप की बात करी जाए तो ग्रेनाइट का टॉप दे रखा हमने। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो टाइल हमने यूज़ करी किचन के अंदर, सारी आपको मैट कलर के अंदर ग्रे में टाइल्स मिलने वाली हैं, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है हमारे फ्लैट को। ऊपर आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, अंदर बाहर दोनों तरफ सनमाइका का यूज़ करा हुआ है, पार्टीशन दे रखा है। किचन के अंदर आईबॉल लाइट का हमने यूज़ करा ऊपर। इधर आपके स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांड के हमने यूज़ करे हुए हैं। किचन के साइज़ की बात करी जाए 6x8 का हमारा किचन है। और सबसे जो दूसरा मेन इशू आता है किचन के अंदर वो आता है रेफ्रिजरेटर का, हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का भी स्पेस दे रखा है किचन के अंदर। बाहर ही आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपके पॉइंट मिल जाते हैं। दोस्तों हम आगे अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम हमारा ये है, लगभग 10x11 का बेडरूम है। इसके अंदर भी आप लाइट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन वर्क जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। विंडो मिल जाती है, विंडो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है विंडो में। साथ में आपको विंडो एसी का प्रोविज़न मिल जाता है इसमें। इस तरफ आप देखेंगे तो हमने एक वार्डरोब दी है। इस फ्लैट के अंदर तीनों बेडरूम के अंदर वार्डरोब दे रखी है, इसमें भी आपको सेम माइका का यूज़ करा हुआ है, अंदर बाहर दोनों तरफ माइका है, हैंगिंग पार्ट मिल जाता है। अगर इस रूम की मैं फॉल सीलिंग दिखाना चाहूँ तो बहुत ही डिज़ाइनर स्टाइलिश हैवी फॉल सीलिंग कर रखी है, जिसके अंदर हमने दो कोब लाइट्स यूज़ करी हैं, साथ में आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। इस रूम से अटैच हमारी बालकनी आ जाती है। एक और ये हमारी बालकनी है, बालकनी के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया एसएस की रेलिंग दे रखी है, टाइल वर्क करा हुआ है, शैम्फर टाइल्स हैं। बालकनी हमारी पूरी एल टाइप की है, मैं आपको पूरी बालकनी दिखाना चाहूँगा। एल टाइप की पूरी बालकनी है जो कि एक बहुत अच्छा स्पेस मिलता है कम रेंज के अंदर, इतनी अच्छी बालकनी फ्लैट पूरा अच्छा मिल रहा है आपको। हम चलते हैं दोस्तों थर्ड बेडरूम की तरफ। ये हम आगे अपने थर्ड बेडरूम के अंदर जो कि हमारा मास्टर बेडरूम होने वाला है। इस रूम के अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, बालकनी है, साथ में जो वार्डरोब मैं दिखाने वाला हूँ वो एक बहुत ही स्पेशियस वार्डरोब दे रखी है। ये हमारा बेडरूम आ गया, 10x11 का बेडरूम है, ये भी सेम इस तरफ आपका वॉल पेपर आ जाएगा। फॉल सीलिंग की बात करें, हैवी फॉल सीलिंग अगेन इसके अंदर कर रखी है। इस तरफ आप देखेंगे तो हमने वार्डरोब दे रखा है, वार्डरोब के अंदर यहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल आ जाता है, ड्रेसिंग पार्ट है आपकी, बैंगल्स वगैरह के लिए भी हमने रोड लगा रखी है, साथ में ऊपर लाइट मिल जाती है, नीचे कुछ ड्रॉस मिल जाते हैं सामान रखने के लिए। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो हमारी अलमीरा आ जाती है, स्लाइडिंग डबल डोर अलमीरा दे रखी है जिसके अंदर हमने ऑटो क्लोज दे रखा है। ऊपर भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की बात करी जाए तो जैसे आपने कॉमन वॉशरूम देखा है सेम वही मटेरियल इस वॉशरूम के अंदर हमने यूज़ करा है, 4x7 का वॉशरूम है। WC मिल जाती है, डेविएटर पैनल दे रखा है हमने, शावर हमने ऊपर दे रखा है, अगेन
टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यूज करा हुआ है और शैम्फर टाइल्स यूज करी हैं जितनी भी हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखे जो कि हमारी बालकनी पे जाए। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको थर्ड बेडरूम से हमारी बालकनी। ये हमारी थर्ड बेडरूम से बालकनी आ जाती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एसएस की रेलिंग मिल जाती है आपको। कपड़े सुखाने के लिए रोड दे रखी है। यहाँ पे हमारा टैप आ जाता है। इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है। ये हमारी साइड की रोड, जैसे कि मैंने बताया था एल टाइप का फ्लैट है, 20 फुट रोड हमारी। दोस्तों जैसे कि आपने हमारे फ्लैट देखा, 3 BHK का फ्लैट है, एल टाइप का, वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेशन है आपका, चाहे वॉशरूम हो, किचन हो या तीनों बेडरूम हो, सबके अंदर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलती है, प्रॉपर लाइटिंग है हर एक रूम के अंदर। और साथ में स्पेस की बात करी जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेस है, सिंगल यूनिट है। अगर हम आते हैं कि इसके प्राइसिंग के बारे में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, बहुत रीजनेबल प्राइस है। आपको ये लगभग 100 गज का फ्लैट सिर्फ और सिर्फ 37 लाख रुपये का मिलता है। 37 लाख रुपये का फ्लैट है, लोन हो जाएगा 90% ईजिली, लोन अवेल कर सकते हैं। साथ में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, इसलिए वीडियो बनाई है पूरा फ्लैट कंप्लीट होने से पहले। अभी वॉलपेपर वर्क रहता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम रहता है, ताकि आपके हाथ से ये जो अच्छा मौका है फ्लैट का वो छूट ना जाए। इसलिए तो जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करिए, साइट विजिट करिए, फ्लैट बुक करवाइए और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लैट्स डालते हैं। कुछ फ्लैट्स ऐसे होते हैं जिनकी वीडियो नहीं बन पाती, तो हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डालते हैं। तो मैं आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप हमें फॉलो करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल जाए, फ्लैट के बारे में पता चल जाए। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं जिनके हम फोटोज अपलोड करते हैं, उनमें से भी आप कोई ना कोई देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।